राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम श्री राधा के वो तीन विरोधी गुणों के बात करेंगे, जिसके कारण स्वयं श्री कृष्ण भी उनके प्रति आकर्षित होते हैं। विरोधी मतलब जो संभव ना हो, जिससे कोई वस्तु को अगर आग में डाला जाए और निकालने के बाद वह बर्फ के जैसा जम जाए, उसको हम विरोधी गुण कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम श्री राधा रानी के वो तीन विरोधी गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। रूप गोस्वामी के अनुसार श्री राधा के मुख्य तीन विरोधी गुण हैं। उसमें से एक है प्रेम, दूसरा है मान और तीसरा है गर्व। प्रेम, राधा कृष्ण का प्रेम तो जगत विख्यात है, लेकिन क्या आपको पता है श्री राधा के प्रेम का एक बहुत ही अद्भुत रहस्य है, जिसके हिसाब से श्री राधा का प्रेम अपने चरम सीमा पर है, लेकिन वह हर पल बढ़ता ही रहता है। ये विरोधी गुण है, क्योंकि अगर कोई पात्र में भरपूर जल हो, लेकिन उसमें फिर से जल डालने पर वह जल इधर उधर प्रवाहित हो जाएगा, श्री राधा का प्रेम भी उसी पात्र भरे जल के समान है, लेकिन हर पल श्री राधा का प्रेम बढ़ता ही रहता है। श्री राधा का ये प्रेम जब भी श्री कृष्ण समझ जाते हैं, उस वक्त ही श्री राधा का प्रेम और भी ज्यादा बढ़ जाता है। श्री राधा का प्रेम समझ पाना स्वयं श्री कृष्ण के लिए भी संभव नहीं हो पाता, और ये चीज श्री कृष्ण को अत्यधिक आकर्षित करती है। मान, मान का अर्थ होता है क्रोध, यानी कि श्री जी श्री कृष्ण से रूठ जाया करती थी, ताकि स्वयं श्री कृष्ण आकर उनको मनाए, और श्री जी ऐसे वैसे नहीं रूठती थी, वो बहुत ही ज्यादा रुष्ट हो जाती थी। एक बार की बात है, श्री जी श्री कृष्ण से इतना ज्यादा रूठी थी कि उन्होंने अपने सखियों को कह दिया था कि ये जो आसपास के कौवा और कोयल है, इनको भी सफेद रंग में रंग दो, क्योंकि हमारे जो श्याम सुंदर है वो थोड़े काले हैं। इस प्रकार का मान करती थी श्री राधा श्री कृष्ण से। लेकिन दोस्तों, आखिर क्यों श्री राधा श्री कृष्ण से मान करती थी, जबकि श्री राधा श्री कृष्ण के हर कर्म के पीछे का मंतव्य जानती थी। श्री राधा हर एक रहस्य को जानती थी, हर एक फल को जानती थी, हर एक उस कार्य को जानती थी जो श्री कृष्ण कर रहे हैं और जिसका परिणाम क्या होने वाला है। श्री राधा सर्वेश्वरी थी, वो हर कुछ जानती थी, और जो अंतर्यामी होता है उसे तो हर कुछ ज्ञात है, वो क्यों भला मान करेगा। लेकिन श्री राधा इसके उल्टा में जाकर मान करती थी। इसके पीछे का कारण ये है कि वो श्री कृष्ण को हर्ष और प्रसन्नता प्रदान करती थी। श्री कृष्ण को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था श्री जी को मनाते हुए, इसीलिए श्री राधा मान करती थी केवल श्री कृष्ण के प्रसन्नता के कारण। गर्व, दोस्तों अगर कोई भी व्यक्ति या कोई देवता ही क्यों ना हो, अगर उसको कुछ उच्च चीज की प्राप्ति होती है तो स्वाभाविक है उसमें अहंकार और गर्व भाव आ जाता है, ऐसा हमें शास्त्र में मिला है। लेकिन वही श्री राधा के चरणों की सेवा, ये तीनों लोकों का स्वामी, संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी श्री कृष्ण करते हैं, श्री राधा से इतना ज्यादा प्रेम करते हैं। लेकिन ये अहंकार और गर्व के भाव श्री राधा में कभी भी उत्पन्न ही नहीं होती, जबकि ये विरोधी है, यहाँ पर तो होना चाहिए। श्री राधा कभी भी ना अहंकार करती है, ना उनको इस बात पर गर्व होता है। श्री राधा के यही सारे गुण श्री कृष्ण को बहुत ही ज्यादा आकर्षित करती है। श्री राधा और श्री कृष्ण से जुड़ी ऐसे ही रोचक तथ्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर लिखें राधे राधे। मिलते हैं अगले वीडियो में।